कपिला जोगिया से जुड़ी हुई लोक कहानियाँ काफ़ी सारी हैं और बड़ी रोमांटिक हमारी जो लोक कहानी है हमारी वो हीर रांझा से रिलेटेड है। सब लोगों ने हीर रांझा का नाम सुना होगा और रांझा जो तख्त हजारे से चला और हीर से उसकी जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं दास्तानें हैं वो हमारी किताबों में मौजूद हैं। और रांझा को जब मायूसी हुई और वो हीर को ना पा सका तो वो उसी की तलाश में चलते चलते यहाँ टीला जोगिया पे पहुँचा और टीला जोगिया पे उन्होंने उसने अपना एक टीला काटा और यहाँ उसने जोग हासिल किया। और कहा जाता है कि वहाँ उसने उसका कान छिदवाया गया और जब उसने कान छिदवाने के बाद उसने जो कान में रिंग हैं वो डालते हैं वो डालने के बाद उसको कन फट्टा जोगी का कहा जाने लगा। और उसने अपने यहाँ जोग लेने के बाद वो यहाँ से गया और रांझा जोगी के नाम से मशहूर हुआ। टीला जोगिया से बहुत सारी रोमानवी दास्तानें जुड़ी हुई है। लोग यहाँ आते थे अपनी मन्नतें और मुरादें मांगने के लिए और ज़्यादा इसकी यहाँ जो हिस्ट्री में चीज़ें हैं इससे दास्तानें जो जुड़ी हुई हैं वो ये है कि लोग यहाँ आते थे अपनी मोहब्बतें पाने के लिए और यहाँ आते थे और यहाँ के जो गुरु होते थे यहाँ जो मौजूद होते थे बड़े जो यहाँ उस्ताद होते थे या बड़े गुरु होते थे तो वो उनकी खिदमत करते थे, उनको नजराने और तोहफे तहाइफ उनको देते थे, फिर उनसे दुआएं लेते थे और इस बेस पे बड़े सगीर पूरे से लोग यहाँ आते थे। और इसके अलावा मैं हिस्ट्री में थोड़ी सी और बात कहूँ कि यहाँ ये जो चोटी है ये पहाड़ है तो ये काफ़ी उस हिंदू मज़हब के हवाले से जब सूरज की किरणें पड़ती हैं सूरज तुलू होता है तो सबसे पहले यहाँ सूरज देखा जाता है। और किसी ज़माने में यहाँ मंदिर होता था और यहाँ सूरज की पूजा होती थी और इसको हिंदू मज़हब में काफ़ी एहतराम की का मकाम हासिल था, एहतराम की निगाह से देखा जाता था। बाद में सिख मज़हब के जो बानी थे गुरु नानक साहब वो और उनके पैरोकार यहाँ आए और यहाँ सिख मज़हब की काफ़ी सारी तमीरात हैं और यहाँ सिख मज़हब की का एक छोटा गुरुद्वारा और उनकी जो अकेडमी थी एक यूनिवर्सिटी या उनका जो तालीमी इदारा था वो यहाँ कायम किया गया। और यहाँ एक तालाब भी मौजूद है और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एक तालाब है और किसी ज़माने में ये पानी से भरा होता था। और हिंदू मज़हब से अकीदत रखने वाले और सिख मज़हब से अकीदत रखने वाले वो यहाँ आते थे, वो यहाँ गुसल करते थे, स्नान करते थे और अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करते थे। तो इससे जुड़ी दास्तानें और वक्त के साथ साथ अब ये अपनी वीरानी का नुहा सुना रहा है और यहाँ देखभाल भी नहीं है, बिल्डिंग भी टूटती जा रही हैं और सफाई का भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। और जब हम इसको हिस्ट्री में बैक चले जाते हैं तो यहाँ रौनकें होती थी और यहाँ एक कहा जाता है कि अपने हिसाब से यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम थी और यहाँ लोग आते थे, यहाँ अपनी तालीमात लेते थे और यहाँ रौनक होती होगी, सैकड़ों तालिब इल्म यहाँ होते होंगे, पूरे बड़े सगीर से यहाँ लोग आते थे, उनकी क्याम गाहें अभी भी उनके कमरे और जो उनकी रिहाइश की जगह हैं वो अभी तक उसके कुछ आसार मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं इसके जो दूसरा पार्ट है वो भी दिखाते हैं आपको, जो इसकी जिससे तारीखें जुड़ी हुई हैं, तारीख जुड़ी हुई है वो आपको इसके शोबे दिखाते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ आते थे अपनी मन्नतें मुरादें और अपने इक्तदार की तवालत के लिए, इक्तदार की बका के लिए यहाँ हाजिरी देते थे। और कई मुग़ल जो बादशाह हैं एम्परर वो यहाँ आए। अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो जब यहाँ आया तो उसने पैदल ये टीला जोगिया तक पैदल सफ़र किया और यहाँ आके
अपनी अपने इक्तदार की, अपने अपने वक्त की, अपने दौलत की, अपनी जागीर और अपनी रियासत की बका के लिए, अपनी हुक्मरानी की बका के लिए उसने यहाँ जोगियों से दरख्वास्त की और कुछ वक्त यहाँ गुजारा। इसी तरह काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और सिकंदर आज़म के बाद भी काफ़ी सारे हुक्मरान यहाँ आए और यहाँ उन्होंने अपने मन्नतें और मुरादें मांगी। ये उस हवाले से बड़ी अहमियत वाली जगह है।